मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर गांव साधपुर के ग्रामीणों के द्वारा धरना देकर कहा कि गांव में 15 वर्षों से चकबंदी चल रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि चकबंदी अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है और लगातार भू माफियाओं का साथ देकर वह चकबंदी को पूरा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चकबंदी अधिकारियों के द्वारा वहां पर बहुत बड़ी धांधलीबाजी की जा रही है, इसलिए मैं मांग करते हैं कि जल्द ही ऐसे चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और वहां पर चकबंदी को पूरा कर गांव साधपुर के ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया कराई जाए। ये चकबंदी विभाग के संबंध में है, चकबंदी विभाग के संबंध में है। हमारे दलित बस्ती की ना बस्ती छोड़ी गई है, हमारे दलित समाज को ना खत्ते कोड़ी कुछ नहीं दिया गया जी, और हम सब लोग इनके आश्वासन के बाद 15 दिन का डीएम साहब ने आश्वासन दिया था, हमने उनको भी, फिर भी हम 1 महीने के बाद आए हैं, आज तक हमारा कुछ नहीं हुआ। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि हमारे जो दलित लोग हैं उनको खत्ते दिए जाएं, उनको अनुसूचित बस्ती दी जा, उनके बस्ती दी जा, और इनके जो भी समस्याएं हैं इनकी हल करी जा। इनके चकनी मापे साहब, दलितों का कोई चकनी मापा साहब नहीं, कुछ नहीं हुआ जी। अधिकारी भी आपके बीच में आए थे, क्या कहा उन्होंने? एसओ साहब कह के गए हैं कि हमें 15 दिन का टाइम दे दो, तो अब देखो हमने 15 दिन का क्या, 1 महीने का टाइम दे रखा डीएम साहब को, हम डीएम साहब से मिलने बगैर नहीं जाएंगे, हम यही धरना पे रहेंगे। आपकी मांग? मांग हमारा समाधान कुछ नहीं होता, मांग हमारी जो है तो हम जब तक नहीं जाएंगे।